नमस्कार जी, मैं कृष्णा शास्त्री प्रयागराज से आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। आज का मेरा विषय है कि लोगों का जब पेपर रहता है, बहुत से पत्रिका में बहुत सारे दोस्त लगे होते हैं। जो पत्रिका में दसवां भाव होता है वो क्रम का भाव होता है। दसवें भाव में अगर गुरु चंडाल दोष, चढ़ गए दोष या पित्र दोष पाए जाते हैं, तो ये जो दोष होते हैं इस दोष में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। मतलब इंसान का बनते बनते काम बिगड़ जाता है, इंसान का काम नहीं हो पाता। सुबह शाम मेहनत करता, मेहनत से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, अगर पत्रिका में पाँचवा जो घर होता है शिक्षा घर होता है। अगर पाँचवें घर में अगर कुछ दोष पाए गए हों, सूर्य ग्रहण दोष, केंद्रम दोष, या चंद्रमा या नीच अवस्था में बैठे हों, ठीक है, या फिर आपका जो नवा घर होता है भाग का घर होता है, अगर वो कमजोर हो तो, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग सरकारी नौकरी तैयारी करते हैं, बहुत सारा ऐसा होता होगा कि मतलब गवर्नमेंट नौकरी में बहुत सुबह से मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब पेपर का समय होता है तो उनका माइंड से बात भूल जाना, उतर जाना, कन्फ्यूज हो जाना, यह सनों में कन्फ्यूज हो जाना और उसको समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। ऐसा आपके साथ होता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि तीन चार बार पेपर देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पढ़ाई लिखाई बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका किस्मत साथ नहीं देता, एक नंबर या दो नंबर से बार बार रुक जाना, एक बार नहीं चार पाँच बार ऐसा होता होगा। अब देखते होंगे आपसे कम पढ़े लिखे लोग आपसे आगे बढ़ जाते हैं, बल्कि आप उससे ब्रिलियंट होते हैं, उसके बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा है या नहीं बताइए? ऐसे ही तो होता होगा ना, कई लोग साथ होता होगा। देखिए मैं आप सबको व्यक्तिगत तरीके से बात कर रहा हूँ, आपको नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ, कोई ज्योतिष कोई पंडित तरीके से मैं आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आप सबको व्यक्तिगत तरीके से बात करूँ, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को समझें, जिससे कि आप उसको समाधान पा पाएँ कि मेरे पत्रिका में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। जिससे देखिए टाइम वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए। अगर आपके साथ 24 साल है, बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं उनके 26 साल के अंदर अप्लाई होता है, बहुत सारे 32 साल के अंदर अप्लाई होते हैं। अगर आप बाप है एक या दो नंबर से रुक रहा है, या फिर आप सरकारी नौकरी के लिए नहीं कर पा रहे हैं, किसी मकसद से पढ़ने लिखने के लिए आए हैं कि जैसे कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मेरा सब कुछ परफेक्ट हो जाए, मैं कम समय में सक्सेस हो जाऊँ, है ना। लोग तो यही सोचता है ना कि जितना नौकरी लग जाए मैं कम समय में एडजस्ट हो जाऊँ, यही लोग तो लोग सोचता है ना। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जिसका एक या दो नंबर से रुक रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा, उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। ठीक है, जिसका नहीं अबाउट कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन पेपर के समय कंफ्यूज हो जाते हैं, यस नो में, उसके लिए आपको बताऊंगा। अगर पत्ते में कुछ दोस्त लगे रहते हैं उसको सही प्रकार से निवारण नहीं होता है, उसके लिए क्या करना है, क्या विधि विधान है, उसके लिए मैं आपको सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको सब बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, जिससे कि आपका कम समय में आपका आराम से क्लियर हो जाए, सब चीज आपका काम हो जाए, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो, आप अपने पैर में खड़े हो जाएं, है ना। और देखिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, वो जो खड़ी हल्दी होती है, खड़ी हल्दी, एक पिसी हल्दी होती है, खड़ी होती है हल्दी, खड़ी हल्दी लेके आएगी। ये उपाय जो करना है पेपर से 7 दिन पहले, आपको पेपर से 7 दिन पहले करना है। जब भी आपका पेपर 24 तारीख हो तो आप 7 दिन पहले करिएगा, अगर आपका पेपर 28 तारीख हो तो 7 दिन पहले करिएगा, ठीक है ना। 7 दिन पहले करना है पेपर के डेट से, समझ लीजिएगा। ये उपाय इसलिए बता रहा हूँ, जो भी कोई भी ग्रह होते हैं पावरफुल होते हैं, ये उपाय करने से जिससे कि आपकी किस्मत सपोर्ट करने लगे। पत्रिका में कोई भी दोष लगे हुए हैं, है ना, उसका सही प्रकार निवारण नहीं हो पाए, ये उपाय बताऊँगा, ग्रह का प्रभाव आपकी जिंदगी पे रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपका भाग्य इस पर स्ट्रांग हो जाएगा। क्या करना है, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, राइट, ग्रह 9 होते हैं, 12 राशि होती है ना। तो आपको क्या करना है, आपको 7 आपको खड़ी हल्दी लेके आना है, खड़ी हल्दी जो आता है, ठीक है, और आपको एक मोर का पंख लेके आना है। आप जो पढ़ाई करेंगे आप ईशान कोण की ओर पढ़ाई करिएगा, ईशान कोण की ओर, ठीक है। ईशान जो कोण होता है वो आपका पूरब से लेके उत्तर के बीच का माना जाता है, वो ईशान कोण, ठीक है। आप ईशान कोण की ओर आप पढ़ाई करिएगा, वहाँ पर जहाँ पढ़ाई करते वहाँ मोर का पंख रखिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला कि ये उपाय आपको 7 दिन पहले करना है, राइट। तो वो आपको जैसे कि 7 दिन पहले कोई भी दिन हुआ उस दिन से आपको मन का जाप करना है। आपको मतलब एक खड़ी हल्दी लीजिएगा, अगर मान लीजिए उस दिन अगर आपका रविवार पड़ रहा है 7 दिन पहले, है ना, या शनिवार पड़ रहा है, अगर शनिवार पड़ रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, शनिवार का दिन मन का जाप करना है। कैसे करना है, ओम राहु नमः, ओम शनि शनिश्चाय नमः, ठीक है, ओम राहु नमः, ओम शनि शनि शनिश्चाय नमः का मंत्र का जाप 51 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। रविवार पढ़ना है
तो आपको क्या करना, ओम सूर्याय नमः, ओम केतुय नमः, ठीक है, ओम सूर्याय नमः, ओम केतु नमः, ये आपको रविवार के दिन। सोमवार को पढ़ना है ओम चंद्रमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः सोमवार के दिन पढ़ना है, ठीक है। अगर मंगलवार पढ़ना है ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ये क्या ओम है। बुधवार पढ़ा है ओम बुधाय नमः, ठीक है। गुरुवार पढ़ा ओम गुरुवाय नमः, शुक्रवार पढ़ा ओम शुक्राय नमः, ठीक है। मतलब जो दिन रहेगा उसी दिन के हिसाब से आपको मंत्र का जाप करना है पेपर से 7 दिन पहले। लेकिन शनिवार के दिन दो मंत्र को जाप करना है, ओम शनि शनाय, ओम शनि शनिचाय नमः, ओम राहु नमः, ठीक है। रविवार दो मंत्र का जाप, ओम सूर्य नमः, ओम केतु नमः। सोमवार के दिन ओम चंद्रमा नमः, मंगल मंगल बुध का बुद्धि होती है उसी दिन सब करना है, ठीक है। अब पेपर से 7 दिन पहले उपाय करिएगा, ठीक है। और इसी उपाय करने से क्या होगा, आपका किस्मत 7 दिन लगे, जो आपके 1 या 2 नंबर से काम रुक जा रहा था रुकेगा नहीं, वो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसकी पत्रिका बहुत सारे दोस्त लगा, गुरु चड्डा दोष, पित्र दोष, काल सब दोष, ए टू जेड जो भी दोस्त लगे, वो पत्रिका बहुत सारे दोष होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से इंसान की गिनती नहीं, दोष की गिनती नहीं, बहुत सारे दोष होते हैं, ठीक है। तो ये उपाय करेंगे 7 दिन तक ग्रह का कोई भी प्रभाव आपकी जिंदगी में नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या करना है, जिसका भाग सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपका भाग सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये उपाय कर लेते हैं तो 3-4 महीने के अंदर अंदर जिसको सरकारी नौकरी नहीं लगी सरकारी नौकरी लग जाएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी वीडियो आपको देना होगा मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। डेट व समय को भेज सकते हैं, मैं नए नए वीडियो में आपको बताता रहूँगा, कम समय में बताऊँगा, क्योंकि टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं छोटी वीडियो क्यों बनाता हूँ आपको बता दी, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ में ले जा सकता हूँ, बहुत बड़ी वीडियो यहाँ से बता सकता हूँ। शॉर्टकट में क्यों बताता हूँ कि आपने प्रॉब्लम समझिए कि क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या उपाय है, वो आपका हो जाए तो आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। जिंदगी भर आप मुझे जुड़े रहेंगे, नए नए वीडियो डालते रहूँगा, उसको देखते रहिए आप, ठीक है ना। तो आपको कुछ नॉलेज होती रहेगी कैसे क्या है क्या चीज़ नहीं है। कि मैंने अपने लाइफ में 15-20 साल तक मैंने एस्ट्रोलॉजी में काम मैंने किया है, तभी आपको इतने संपर्क तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे इसका निवारण क्या है, कैसे करना है। ऐसे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि नहीं अबाउट, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, क्योंकि मैं 15-20 साल से लोगों को प्रॉब्लम में सॉल्व किया हूँ, तभी आपको इतने आराम से बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम होती है किस सेक्टर में। हाँ, ये आपने 7 दिन उपाय किया, राइट। 7 दिन उपाय करने के बाद जिस दिन आपका पेपर रहेगा, आप काले कपड़ा पहन के जाइएगा नहीं, आप काला कपड़ा पहन के जाइएगा नहीं पेपर वाले दिन में। इसका 1 या 2 नंबर से रुक रहा हो या इसके पत्रिका में दोष लगाओ या फिर इसके भाग सपोर्ट नहीं करें, काला कपड़ा नहीं पहनिएगा। आप सूर्य सरकारी नौकरी कारक होता है, अब रेड कपड़ा पहन के जाइएगा। गुरु ज्ञान कारक होता है, अब येलो कपड़ा पहन के जाइएगा। या शुक्र संबंधित काम करिएगा, ग्रीन कलर कपड़ा पहनिएगा, लेकिन ब्लैक कपड़ा आपको नहीं पहनना है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं एक काम करिएगा, ठीक है, सुबह ओम गणेशाय नमः का जिस दिन आपका पेपर रहेगा ओम गणेशाय नमः का 101 बार मंत्र का जाप कर लीजिएगा पेपर से जाने से पहले। अगर आप मुस्लिम हैं जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, सुबह नमाज पढ़ने के बाद 5 लौंग 5 हींग सिर से 7 बार घुमा के, हींग खड़ी हींग चाहिए, ठीक, सिर्फ 7 बार घुमा के बाहर फेंक दीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अब कोई वीडियो देता मैं आपको बताता रहूँगा कैसे क्या करना है क्या विधि विधान है। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप के माध्यम से डेटा बस भेज सकते हैं, मैं आपको जैसे इसे सिंपल तरीके से बताया हूँ सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूँगा जी, ठीक है। नमस्कार जी।